राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की संवेदनशीलता से उदयपुर जिले के निवासी दिव्यांग पंकज मीणा को तत्काल प्रभाव से राहत मिली है। अब पंकज कृत्रिम हाथों से अपनी जिंदगी संवार सकेगा। आदिवासी क्षेत्र के ग्राम कागदर के रहने वाले पंकज ने बचपन में ही खेत में बिजली के तारों से करंट लगने के कारण अपने दोनों हाथ खो दिए थे। इससे उसके और पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन पंकज ने हिम्मत नहीं हारी और लगन और साहस का परिचय देते हुए 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। पंकज 19 जुलाई को मदद की आस लेकर मुख्यमंत्री निवास पहुंचा था। यहां अधिकारियों ने उसकी पीड़ा सुनी और देखा कि दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद उसने अपनी मेहनत और लगन से 10वीं तक पढ़ाई की है, जिसके बाद अधिकारियों ने सीएम को मामले से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने इस पर तत्काल प्रभाव से पंकज के कृत्रिम हाथ लगवाने के निर्देश दिए हैं। मेरा नाम पंकज मीणा है, मैं उदयपुर का केसरा जी के रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे आया था जयपुर मुख्यमंत्री साहब के पास मदद मांगने के लिए। तो साहब ने मेरा हाथ के दो हाथ नहीं है, मेरे दो हाथ कटे हुए थे। साहब ने मेरी स्थिति को देख के वो हाथ लगवाए ये, और यही सब काम भी करते, पेन वगैरह भी पकड़ सकते हैं। अब इससे मेरे को छोटा मोटा कुछ काम भी हो जाएगा, लिखा पढ़ी का काम हो जाएगा, खाने की कोशिश करूँगा। अभी तो लगा है, कल आया था 2021 में 19 तारीख को आया था, 19 जुलाई को, 20 जुलाई को मेरा हाथ लग गया है। एक ही दिन में मेरे को राहत मिली, इसलिए मैं मुख्यमंत्री साहब को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।